24 मई 1973 जगह ब्राजील का सेंटा रिटा जेल। एक 19 साल का लड़का जेल में बंद अपने पिता से मिलने पहुंचता है। पुलिसकर्मी दोनों को एकांत कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में कमरे से चीखने की आवाज आने लगती है। पुलिसकर्मी जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। लड़के के हाथ में उसके पिता का तिल था जिसे वह नोच नोच कर खा रहा था। फर्श पर चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था और पिता की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। लड़के ने धारदार हथियार से अपने पिता की हत्या कर दी जिसे वह छिपा कर लाया था। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे ब्राजील के लोगों ने सिराखों पे बिठाया था। वजह यह थी कि उसके ज्यादातर शिकार अपराधी या भ्रष्टाचारी थे। उसने हत्यारों, बलात्कारियों, ड्रग डीलरों और ऐसे ही 100 लोगों को मौत के घाट उतारा था। ब्राजील के इस सीरियल किलर का नाम पेड्रो रॉड्रिक्स है। पेड्रो ने जेल में अपने पिता की हत्या इसलिए की क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को पीट पीट कर मार डाला था। अपनी माँ और बहन की मौत से उसे गहरा सदमा हुआ और उसने अपने पिता को मारने की ठान ली। पिता की हत्या के जुर्म में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद पेड्रो को एक बलात्कारी सहित 2 अन्य अपराधी के साथ गाड़ी में कोर्ट ले जाया जा रहा था। जब पुलिस ने कोर्ट पहुंचकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो उन 4 कैदियों में से एक की मौत हो चुकी थी। दरअसल पेड्रो ने बलात्कारी कैदी की हत्या कर दी। सीरियल किलर सब सुनकर किसी के दिमाग में क्या प्रतिक्रिया आ सकती है, चाहे जो भी आए, लेकिन हीरो या नायक सब किसी सीरियल किलर के साथ जुड़ने वाला आखिरी शब्द होगा। लेकिन फिर बात आती है कि दुनिया में कुछ भी संभव है। एक सीरियल किलर का हीरो होना भी कुछ कुछ वैसे ही जैसे तमाम अपराधी सरगना राजनीति का लिबास पहनकर रॉबिनहुड और बाहुबली का तगमा पा जाते हैं। कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने 100 से ज़्यादा हत्याएं की, इसके बाद भी कई लोग उसे अपना हीरो मानते हैं। पेड्रो का जन्म 29 अक्टूबर 1954 को सेंटा रिटा में उसके फार्म पे हुआ था। कहते हैं उसके पिता और उसकी माँ का बहुत झगड़ा हुआ करता था। एक दिन ऐसे ही किसी झगड़े के दौरान उसके पिता ने उसकी माँ के पेट पे लात मारी। उस वक्त पेड्रो उसकी पेट में था जिससे पेड्रो के सर पे चोट आई थी। उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसे पहली बार किसी को मारने की इच्छा 13 साल की उम्र में हुई थी जब उसकी लड़ाई उसके हम उम्र चचेरे भाई से हो गई थी। उसने अपने भाई को गन्ने पीसने वाली मशीन पे धकेल दिया था। उसने उसे लगभग मार ही दिया था लेकिन बाद में उसे बचा लिया। 14 साल की उम्र में उसने अपना पहला कत्ल किया। सिटी हॉल के सामने उसने एक डिप्टी मेयर की अपने दादा की बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेयर ने उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया था ये कहते हुए कि वो स्कूल के किचन से सामान चुराता है। इस गुस्से में उसने उसे गोली मार दी और फिर उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली मार दी जो सही में किचन से सामान चुराता था। आगे चल के उसने ड्रग डीलर्स को लूटना और उनके गैंग मेंबर्स को मारना चालू कर दिया जिससे उसे ब्राजील मीडिया ने फ्रंट पेज पर ला दिया और उसे एक तरह का सेलिब्रिटी बना दिया था। ब्राजील मीडिया ने उसे नाम दिया पेड्रिनो मेटाडोर जिसका मतलब है लिटिल पेटी किलर। ब्राजील मीडिया उसे विजिलेंट की तरह पेश कर रही थी, एक ऐसा इंसान जो क्राइम को रोकने के लिए क्राइम कर रहा था। इसी बीच पेड्रो की मुलाकात मारिया से हुई और वो साथ रहने लगे। इधर पेड्रो का अपना गिरोह भी बन गया था और उसके कई दुश्मन भी बन गए थे। इसी बीच मारिया भी उससे प्रेग्नेंट हो गई थी बट किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। पेड्रो के राइवल गैंग के लोगों ने मारिया को मार दिया जिसके बाद पेड्रो अंडरग्राउंड हो गया और मारिया के कातिलों को ढूंढने लगा। उसने ढूंढ ढूंढ कर अपने राइवल गैंग के मेंबर को मारना चालू कर दिया। वो अपने बीवी और होने वाले बच्चे के प्रतिशोध में राइवल गैंग को खत्म करने की ठान चुका था। 19 साल की उम्र में पेड्रो को पहली बार 24 मई 1973 में गिरफ्तार किया गया। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जेल में ही काटा। ऑफिशियली उस पर 71 मर्डर के केस चले जिसमें उसे ब्राजील सरकार ने 126 साल जेल की सजा सुनाई लेकिन उसे 2003 में रिहा कर दिया गया क्योंकि ब्राजील के उस वक्त के कानून के अनुसार मैक्सिमम 30 साल की ही सजा हो सकती थी। उसे बाद में 4 साल और जेल की सजा हुई। यह सजा उसे कन्विक्ट लोगों की हत्या के आरोप में मिली थी। उसे फाइनली 24 अप्रैल 2007 को रिहा कर दिया गया और वो फोटेल्जा इन सियरा मूव हो गया। 15 सितंबर 2011 को उसे दोबारा उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर दंगा भड़काने और डिप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी का आरोप लगाया गया जिसमें उसे 8 साल की जेल की सजा सुनाई गई लेकिन उसके अच्छे बर्ताव के कारण उसे 1 साल पहले ही 2018 में रिहा कर दिया गया। 2018 में दूसरी बार रिहा होने के बाद उसने खुद को रिटायर्ड बताया और अब कोई और क्राइम ना करने की बात करी। अब वो एक ब्राजीलियन सेलिब्रिटी एंड यूट्यूबर की तरह जी रहा है। उसका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है पेड्रिनो एक्स मेटाडोर जिस पे वो मॉडर्न क्राइम्स, गैंग वायलेंस
और क्रिमिनल एक्ट्स पे लोगों से बात किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।